अस्सलाम वालेकुम, वायच लर्निंग में खुश आमदीद। और आज हम प्रॉब्लम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 3.13। और आप लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि चैप्टर का आखिरी प्रॉब्लम, उसके बाद जो है वो चैप्टर नंबर 3 का ख़ात्मा हो जाएगा। तो जनाब, अब चैप्टर नंबर 3 के आखिरी प्रॉब्लम को ज़्यादा टाइम ज़ाया किए वो कर लेते हैं। कहता है कि स्टॉप स्टोन इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ द 40 मीटर। इसका मतलब क्या है कि आपके पास कि एक स्टोन है, उसको हम कहाँ से फेंकते हैं, 40 मीटर की हाइट से फेंकते हैं। तो ये हम आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ इसका डेटा भी बना रहे हैं, हाइट ऑफ द 40 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि 40 मीटर हम हाइट लिख लेते हैं, और तो कुछ दिया ही नहीं, मांग लिया। कहता है कि हाउ मच द टाइम विल बी इट टेक टू रीच द ग्राउंड। क्या मांगा इसने, टाइम मांगा। ओके, दूसरा ए ऑप्शन हमारे पास ए पार्ट है, ठीक है जी। दूसरे बात कहता है विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और किस वेलोसिटी के साथ वो आके नीचे गिरेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है, लेकिन मुसीबत यह है कि ये इनिशियल वेलोसिटी क्या है। अब ये तो मसला हो गया, मसला नहीं हो गया, बल्कि हमें पता है कि जब ऊपर बॉडी थी जहाँ से वो फेंका गया, उस टाइम उसकी वेलोसिटी लाजमी बात है ज़ीरो थी, तो इनिशियल वेलोसिटी होगी हमारी ज़ीरो, ठीक है जी। इसी तरह दूसरी बात क्या हो गई कि जब ऊपर से नीचे आएगा तो लाजमी बात है वर्टिकली हाइट पर है, तो एक्सेलरेशन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जी में। और जी आपको पता है कि जब डाउनवर्ड मोशन में है तो ये पॉजिटिव 10 होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन अगर ये अपवर्ड मोशन में होता तो ये फिर किस में होता, नेगेटिव में होता। तो जनाब कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन करते हुए हमने ये देखना है कि क्या क्या फाइंड है हमें। पहले तो इसने मांगा हमसे टाइम, चेक कर लेते हैं कि क्या क्या नहीं है और क्या क्या हमारे पास मौजूद है। टाइम फाइंड करना है और इसके पास हम लगाते हैं क्या, H इज इक्वस टू, आप भी बताइएगा सही है कि नहीं है, H इज इक्वस टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। टाइम दो जगह है मगर फाइंड करना है, G की वैल्यू मिली हुई है, हाइट की वैल्यू मिली हुई है, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, तो मसला ही हल। हाइट कितनी है, 40 मीटर इज इक्वस टू वी आई है ज़ीरो, मल्टीप्लाई कर दो टाइम के साथ, प्लस 1/2 जी की वैल्यू है 10 और टाइम की वैल्यू नहीं पता, इसलिए ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको, ठीक है भाई। ओके जी, ये वैल्यू तो हो गई ख़त्म क्योंकि ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगी तो ये ज़ीरो ही रहेगी। 2 का टेबल 1 टाइम, 2 का टेबल 5 टाइम। थोड़ा शॉर्ट करते हैं, क्या बचेगा हमारे पास, 40 इज इक्वस टू ये वैल्यू ख़त्म, ये ख़त्म, ऊपर बचा 5, साथ में है टी स्क्वायर। तो जनाब 5 को इधर ले आते हैं, जब 5 को इधर लाएंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वस टू टी स्क्वायर। और जनाब क्या मिलेगा हमारे पास, 5 का टेबल 1 टाइम, 5 का टेबल 8 टाइम, तो 8 इज इक्वस टू टी स्क्वायर। अब क्या करें, ये तो स्क्वायर है, हमें तो टी की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, तो क्या कर देते हैं कि हम स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर देते हैं। कैसे, बिल्कुल ऐसे, 8 का भी रूट लेते हैं और टी स्क्वायर का भी रूट लेते हैं। इसका तो रूट भाई इसके साथ हो गया कैंसिल, अब 8 का क्या किया जाए हमें तो पता ही नहीं। तो ये देखें आपका कैलकुलेटर, ये इज इक्वल टू की 0, ये आपके पास अंडर रूट, इसके पास लिखें 8 इज इक्वल टू, प्रेस करें, 2.828 वैल्यू आ गई, ठीक है। तो 2.828 जो है ये आपके पास किसकी वैल्यू आई, टाइम की, इसको हम 2.8 भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2.8 सेकंड इसने लिए नीचे आने के लिए। चलें जी, अब दूसरा पॉइंट रह गया, वो क्या रह गया, वो रह गया कि हमारे पास अब हमने फाइनल वेलोसिटी भी तो फाइंड करनी थी, और फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए अब क्या लगाएं,
हमारे पास बहुत सारी इक्वेशंस हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। हाइट हमारे पास मौजूद है, फाइनल वेलोसिटी भी मौजूद है, तो लगा देते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो जनाब अली अब आपकी मर्जी है कि इसके अलावा भी इक्वेशंस लग सकती हैं, सिर्फ यही नहीं। अब ये आपके पास क्या होगा कि 2 और g की वैल्यू है 10, h की वैल्यू है 40, वी एफ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दें, और वी आई की वैल्यू है 0 का स्क्वायर। ओके जी, नहीं पता, नहीं समझ आया तो दोबारा बता रहा हूँ। देखें, 2gh इज इक्व टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये रही हमारे पास g की वैल्यू, ये रही हमारे पास h की वैल्यू, वी एफ फाइंड करना है और वी आई की वैल्यू है 0। तो क्या करेंगे हम जनाब? ओके, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा जनाब? ये देखें, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 40, ये देखें हो गया 800। तो इसको हम लिखेंगे 800 इज इक्व टू वी एफ स्क्वायर, ये तो 0 ही है, ख़त्म कर दो। अगला तरीका दोबारा याद, वी एफ़ की वैल्यू चाहिए, रूट की नहीं चाहिए। तो जनाब क्या करेंगे हम, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो क्या करेंगे जनाब, ये हो जाएगा ऐसे 800 इसके ऊपर भी रूट और वी एफ स्क्वायर इसके ऊपर भी रूट। तो दोनों के ऊपर जब रूट लगेगा तो ये वाली वैल्यू तो इसके साथ हो गई कैंसिल, ठीक है। और अब आ जाते हैं दोबारा वापस, ये रहा हमारे पास 800 सॉरी अंडर रूट और 800 इज इक्व टू क्या वैल्यू आई, 22.28। तो ये क्या बोला हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी 28.28 इज इक्व टू वी एफ। तो जनाब अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई, वी एफ इज इक्व टू 28.28 मीटर पर सेकेंड। ओके जी, चैप्टर हो गया कंप्लीट, आपकी भी जान छूट गई। अब आप इसको पढ़ें, सीखें, कुछ पूरे प्रॉब्लम्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अदरवाइज फिर आप अदरवाइज अगर आपको समझ में आता है, वीडियो अच्छी लगती है या कुछ चेंजिंग करनी है तो आप इसमें सजेशन भी दे सकते हैं, वरना फिर अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। किसी भी मार्केटिंग बनाने के लिए नहीं बनाई, बिल्कुल ही सादे से पेपर के ऊपर आप लोगों को सॉल्व करके दिखाएं, ताकि हमें नॉलेज शेयर करनी है और आपको एग्ज़ाम्स की तैयारी करानी है, क्योंकि आपके थोड़े अरसे के बाद अब आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। सो गेट रेडी, तैयारी करें, कोई इश्यूज़ है तो यू कैन कॉमेंट। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।